आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन, कहा किसानों के हित की रक्षा को लेकर सरकार तत्काल मूल्य वृद्धि को वापस ले। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्यों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने चितरपुर अहमदनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष शाकिल अहमद के अगुवाई में साइकिल पर महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर खूब नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये से किसान और गरीब हलकान है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हमारे खेतिहर किसान व गरीबों पर महंगाई की सीधी मार पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इनके हितों की रक्षा को लेकर सरकार तत्काल मूल्य वृद्धि को वापस दे, अन्यथा आरजेडी पूरे दमखम के साथ जोरदार आंदोलन करेगी। मौके पर अख्तर आजाद, अब्रारुल हक, तबरेज आलम, अयाज शेख, जितेंद्र महतो, आरिफ हुसैन, सज्जाद आसिम, शोएब सकल महतो सहित कई लोग मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो, शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। इम्तियाज वारसी जिंदाबाद, अभय सिंह यादव जिंदाबाद, अभय सिंह जिंदाबाद। लालू, केंद्र सरकार द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी किया है, ये जनता के हित में नहीं है। इसलिए कि अभी वर्षों से आप देखते होंगे कि पेट्रोल के दाम से कुछ कम डीजल का दाम रहता था, लेकिन अभी तो ये हाल हो गया है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। ये केंद्र सरकार की मनमानी और केंद्र सरकार के जो रवैये का है उसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, और ये राष्ट्रीय जनता दल के ओर से आवाज लगाई जा रही है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल का दाम में बढ़ोतरी को कम नहीं करेंगे या वापस नहीं लेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क में उतर करके इस आंदोलन को हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे।